इन तस्वीरों में सम्मान प्राप्त करते हुए ये जो शख्स हैं, इनका नाम रोहित भट्ट है। तो रोहित भट्ट आखिर इतनी ऊंचाइयों पर क्यों चढ़ रहे हैं? टिहरी के पर्वतारोही रोहित भट्ट ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कमाल कर दिखाया। दक्षिण पश्चिमी रूस में सबसे ऊंचे माउंट एल्ब्रस पर्वत पर तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रसिया में स्थित माउंट एल्ब्रुस, वहां पर मैंने भारत का 101 फीट का फ्लैग के साथ में वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डर नहीं लगता है क्या ये होता? सब माउंटेनिंग का पहला नियम ही ये है कि डर को हम भूल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं आर्मी में, तब जाकर ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा कोई मन है कि आप आर्मी में जाएं? कि मैं पुलिस विभाग में जाके अपने यहाँ उत्तराखंड की सेवा करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे इस भ्रमण के दौरान अचानक हमें रोहित भट्ट मिले। अब आप सोच रहे हो रोहित भट्ट कौन है? तो उत्तराखंड, एक पहले सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए आप। इन तस्वीरों में सम्मान प्राप्त करते हुए ये जो शख्स हैं, इनका नाम रोहित भट्ट है। तो रोहित भट्ट आखिर इतनी ऊँचाइयों पर क्यों चढ़ रहे हैं और आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड के राज्यपाल सम्मानित कर रहे हैं, सांसद साहिबा सम्मानित कर रही हैं, उन सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। रोहित जी, करते क्या हैं आप? मैं माउंटेनिंग के फील्ड में हूँ, पर्वतारोहण के फील्ड में, और मेरे को पर्वतारोहण में 4 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2020 से। मैंने नॉर्मली अपना ट्रैकिंग, अपनी फिजिकल फिटनेस से अपना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने 2021 में NIM से BMC कोर्स होता है, बेसिक माउंटेनिंग, और बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने के बाद 2022 में NIM से AMC एडवांस माउंटेनिंग कोर्स ए ग्रेड में किया। फिर मैंने यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की दोनों चोटियों को सफलतापूर्वक आरोहण किया, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप की चोटी माउंट किलिमंजारो, उस पर मैंने भारत का 361 फीट के फ्लैग के साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद मैंने अभी पिछले महीने 19 अगस्त 2023 को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रसिया में स्थित माउंट एल्ब्रुस, वहां पर मैंने भारत का 101 फीट का फ्लैग के साथ में वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 3-4 दिन हुए मेरे को वापस, मैं देहरादून वापस आ रखा हूँ। देहरादून में आने के बाद में मेरे गांव से मेरे फादर आए हैं, तो उनके साथ में फिर हमको वहाँ से इनविटेशन मिला है, फिर हम कल राज्यपाल जी से हम लोग सम्मानित हुए। देखिए, माउंटेनिंग करना एक जज्बे वाला काम होता है, मतलब अक्सर अगर मेरे को बोलोगे तो मेरे को तो मतलब मैं कहाँ कर पाऊँगा, है कि नहीं? तो डर नहीं लगता है क्या ये होता? सब माउंटेनिंग का पहला नियम ही ये है कि डर को हम भूल जाए। अच्छा, वो डर वाली बात पे एक डायलॉग है जो कई बार ना जैसे ऐड दिखाते हैं कि डर के आगे जीत है और माउंटेन ड्यू पी लेते हैं, उसका कोई संबंध तो नहीं है इससे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो कंपनी है, उन्होंने तो अपने ऐड के लिए बना रखा है कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। बात यह कि डर को हटाने के लिए क्या करते हो, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर डर ही बना रहता है, डर के वजह से बहुत सारे स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो डर को रिमूव कैसे करते हो भाई? एक चोटी इधर, एक चोटी उधर, हर चोटी पे जो है चढ़ गए, है ना? तो डर को हटाने के लिए क्या करते हो, वो डर हटता कैसे, ये बता दो ताकि हमारे दर्शक देखेंगे और कुछ युवा ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि अपना डर हटाएं वो किसी भी फील्ड में। फिलहाल माउंटेनिंग के लिए डर हटाना हो तो क्या करें? अगर माउंटेनिंग में अगर अपना डर आप लोगों को हटाना है, तो जो जहां हमने जाना है, जिस पीक में, जिस चोटी में हमने जाना है, हम वहाँ की जो जानकारी है, हम वहाँ के बारे में पहले अपना पूरा जानकारी पूरा ग्रहण करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, उसके बारे में रीड करेंगे, फिर हम वहाँ जाने के लिए अपनी तैयारी रखेंगे, अपनी प्रैक्टिस रखेंगे कि कैसा रूट होगा। उसके बाद में हमारा पूरा एक प्लान बनता है कि हम इस रूट से जाएंगे, अगर वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा है तो उस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे जी। मतलब प्रैक्टिस, प्लानिंग,
और जानकारी अवेयरनेस, आपको मतलब अवेयर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हो, आपको पूरी जानकारी हो, आप प्रैक्टिस कर लो, प्लान अच्छा कर लो और उसी तरीके से अगर आप जाते हो तब जाकर के हो पाएगा। सिर्फ माउंटेन ड्यू पीने से डर नहीं भागेगा, ये तय मान लो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल से कर रहे हो ये? मेरे को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 23 साल है अभी। तो बड़े तो हो जाते हैं पूरा, मतलब बाकी लोग जैसे ये सोचते होंगे कि भाई हम क्या करेंगे, अभी हम तो कर ही नहीं सकते हैं। और 23 साल अभी पूरा हो गया, 23 साल अभी चलना शुरू हुआ? चल रहा है सर, अभी चल रहा है भाई। तो देख रहे हो आप लोग, शुरू हुआ है, मतलब 22 साल के एज तक इतने सारे इन्होंने काम कर लिए, 23 साल में एंट्री करके इतने सारे काम कर लिए। और जो 30-30 साल के लोग यहाँ बैठे हुए वो क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं होता कई बार उत्तराखंड में, ऐसा होता है कि लोग जॉब के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तैयारियां करते हैं कि किसी को आर्मी में जाना है, और इस वजह से अभी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है बच्चा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं आर्मी में, तब जाकर के ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा कोई मन है कि आप आर्मी में जाएँ, आप नेवी में जाएँ, आप किसी ऐसे फील्ड में जाएँ जहाँ पर आप देश की रक्षा कर सकें? सर, माउंट ट्रेनिंग के फील्ड के अलावा मेरा दूसरा है कि मैं पुलिस विभाग में जाके अपने यहाँ उत्तराखंड की सेवा करूँगा। तो ट्राई किया अभी या नहीं किया? सर अभी ट्राई नहीं किया, अभी तो मेरे अभी 1-2 कॉन्टिनेंट और है, पहले मैं उनको सबमिट करूँगा, उसके बाद ही मैं अपनी जॉब के लिए अपना नाम दूंगा आगे के लिए। वो सरकारें जब सुनेंगी तो समझ पाएंगे कि बच्चा आज ही की डेट में जब ये सोच चुका है, इतनी सारी चीज़ें कर चुका है, तो अगर आप ज्वाइन करेगा तो कितना कुछ कर लेगा। लास्ट में एक सवाल कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? सर मेरा जो गोल है, गोल मेरा एवरेस्ट है, कि एवरेस्ट को, क्योंकि माउंटेनिंग माउंटेनियर का यही होता है कि एवरेस्ट को सबमिट करना, लेकिन जो गोल के अलावा जो एम है मेरा, वो मेरा 7 पीक कॉन्टिनेंट्स है। अब इसमें हमारा लास्ट में फिर अचीवमेंट देखा जाएगा, अचीवमेंट देखने के बाद में फिर हमारा लास्ट में होता है कि कौन कितने ईयर्स में हम लोग कितने कॉन्टिनेंट चढ़े हैं, उसके बाद में हमारी फाइल आगे बढ़ती जाती है। मतलब फाइनली उत्तराखंड का नाम, भारत का नाम रोशन होगा, जाहिर सी बात है जब ऐसे बच्चे जा करके वो काम करेंगे जो काम आप करने की सोचते हैं। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और कम से कम सरकारों को भी ये चाहिए कि ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है, हौसला होता है, उनको हौसला दें, उनको आगे बढ़ाएँ, ताकि ऐसे बच्चे भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकें। तो थैंक यू रोहित जी, आपने जो समय दिया। जी बिल्कुल सर। मेरी आदत है जब जा रहे हैं, इन्होंने पूछा मुझसे भाई क्या चीज़ है, तो हमने इनसे जानकारी ले ली, और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सुनाई गई, आपको बताई गई। फुटेज ज़रूर आपने बीच में जो आप देख रहे हैं वो भी देखते रहिए, समझिए। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, रोहित भट्ट के लिए जो कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप लिख करके ज़रूर हमें बताइए। धन्यवाद।